हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अंजीदा अड्डा। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मसूरी का मॉल रोड, सो प्लीज कम एंड एंजॉय विद मी। हमारा होटल द ग्लेन रॉय और हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड। देखो मैं इस अम्ब्रेला का कैसे यूज ले रही हूँ। गाइस ये आसान नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, मेरे से इंसान के जो बिल्कुल वॉक भी नहीं करता है, तो मतलब मेरी वाट लगने वाली है पूरी इस ट्रैक में। सो फाइनली हम लोग वॉक करते करते हमारे होटल से ये एग्जिट है एक तरफ से मॉल रोड के लिए। और वेदर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लाउडी है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये सोचिए आप, जुलाई का मौसम है और इस तरह से ये है। तो ये हम आगे मॉल रोड पे जो हमारी एंट्री होती है वो चिक चॉकलेट के सामने जस्ट फ्रंट में होती है। एंड यहाँ पे लोग पोज वगैरह कर रहे थे एंड बहुत ही क्राउडेड था। तो यस, इट वॉज क्राउडेड एंड काफ़ी ज़्यादा व्हीकल के साथ में आप लोगों को प्रॉब्लम भी आएगी। एंड सबसे बड़ी बात है, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि अगर आप फोर व्हीलर पे भी आ रहे हैं तो आप टू व्हीलर यहाँ पे रेंट पे ऑप्ट कर लें, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। चलिए मैं आपको चिक चॉकलेट के बारे में बता देती हूँ। ये जो है 1984 में तब से ओपन है और तब से ये काफ़ी फेमस है चॉकलेट्स वगैरह के लिए ना, और भी डाइनिंग यहाँ पे होते हैं। सो मैं काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करती रही और मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यू नो चिट चैट करती ही रही, सो दैट देख पाएँ कि हम लोग के क्या है। तो आप देख सकते हैं कि कितना क्राउडेड है। और अभी जो ये इस टाइम जो है एक्चुअली अभी अलाउड है इस टाइम फोर व्हीलर, क्योंकि शाम को 4 बजे से जो है एंट्री बैन हो जाती है फोर व्हीलर की मॉल रोड पे, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। अभी मैं जो निकली हूँ वो दोपहर के टाइम पे निकली हूँ, तो अभी फोर व्हीलर ऑलरेडी अलाउड है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत कंजस्टेड सा है, लेकिन ये मार्केट इतना अच्छा है कि आप जब भी बस यहाँ जाएंगे तो आपको बस मज़ा आएगा। यहाँ पे खाने के लिए सब कुछ है, कपड़ों के लिए है। तो अभी जो हम देख रहे हैं ये महाराजा रेस्टोरेंट, और इसके ऊपर है मुगल दिल्ली 6। तो काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे थे, हमने काफ़ी एक्सप्लोर भी किया सब पे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हम लोग डिनर लंच कुछ ना कुछ करके ही आए हैं, सो दैट हम लोग अच्छे से देख पाएँ। एंड इधर एक होटल नास और यहाँ पे गेम जोन था, तो ये गेम जोन मतलब लाइक यू नो बहुत मज़ा आता है। ये हमें बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में जाके देखने को मिलता है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ डोमिनोज भी है एंड ओपन मार्केट भी था यहाँ पे, जैसे आप चाट वगैरह खाते हैं तो वो भी था। एंड इधर एक चाय वाला भी था जिसको हम ढूंढ रहे थे स्पेशली। फिर उसके बाद हमने जाके कुल्लड़ चाय पिया, जो कि हॉट स्मोकिंग चाय वाला होता है, तो वो काफ़ी अच्छा था। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से यहाँ पे सेल वगैरह भी लगी रहती है। मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें परचेज भी की हैं, बट मुझे दिल्ली NCR के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉस्टली लगा। और अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ही सकरी गलियाँ हैं, तो आप मेरा पॉइंट समझ पाएंगे कि मैं क्यों कह रही हूँ कि आप कार लेके ना ट्रैवल करें, स्कूटी से ही ट्रैवल करें। और काफ़ी मज़ा आता है ये चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करने में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, जबकि मुझे ये कॉस्टली बहुत लगती हैं, बट फिर भी मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे भी आपको एक कुल्लड़ लस्सी वाला दिखेगा जो कि काफ़ी टेस्टी होती है, तो आप आएँ तो इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको जस्ट मेरे राइट साइड पे दिखा देती हूँ कुल्लड़ रबड़ी लस्सी वाला, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। सो गाइज यहाँ पे बाटा का शोरूम, अगर आपको सबसे अच्छी बात है यहाँ पे केमिस्ट शॉप भी मिल जाएंगी इनकेस अगर आप आते हैं ट्रैवलिंग में और आप अपनी मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं लेके आते, या आपको छोटा हल्का फुल्का फीवर होता है, क्योंकि वेदर बहुत चेंज होता है, सडन चेंज होता है हम लोग जहाँ से आते हैं हमेशा। तो आपको यहाँ सारी चीज़ें सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। और ये था कश्मीर आर्ट एम्पोरियम, जहाँ पे पश्मीरा शॉल एंड कश्मीरी जो वर्क रहता है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बड़े अच्छे से थी। और यहाँ हम लोग पहले कार से भी आए हैं तो लेकिन अब ये देखिए आप समझ सकते हैं कितना क्राउडेड है। एंड सबसे बड़ी बात, यहाँ पे क्राउड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत टेस्टी खाना मिलता है, स्नैक्स आइटम मिलते हैं जो हम दिल्ली हाइट्स को बहुत पसंद हैं, जैसे कि मोमोज और हमारा स्नैक्स।
तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मैं जैसे यहाँ कश्मीरी आर्ट एम्पोरियम से आई और इधर यहाँ पे टॉय शॉप ब्रांड सरप्लस, ये जो पोश चाय शाय, तो हमने इस पे चाय पी जो कि बहुत टेस्टी थी, जो मैं स्पेशली अदरक वाली चाय ढूंढ रही थी। तो आई विल रिकमेंड आप इस पे ज़रूर जाएं। और यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा भी खाया था, तो ये आगे पिज़्ज़ा की मैंने पिक डाल दिया, आप ऑलरेडी देख सकते हैं। अर्बन टर्बन बिस्ट्रो एंड रेस्टोरेंट, सो गाइस यहाँ पे बहुत ही कंजेस्टेड रहता है। एंड ये है आपका ग्रीन वेजिटेरियन होटल, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको दिख जाएंगे। एंड अभी जो हम खड़े हैं वो है बनारस पान हाउस स्पेशल चॉकलेट पान, तो यहाँ पे जो भी स्पेशल है उस चॉकलेट पान, मैंगो ऑरेंज एंड फ्रोजन स्ट्रॉबेरी पान। सो अभी लेट्स सी। तो यहाँ पे राज ने जो ट्राई किया वो था फ्रोजन पान, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूँगी तो मैंने कहा तुम ट्राई करो, सो उनका रिकमेंडेशन था अच्छा। तो पान वाले से बढ़ते हुए हम आगे पहुँचे मसूरी स्वीट शॉप, और इससे थोड़ा सा आगे चलते ही हमारे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं अर्बन टर्बन रेस्टोरेंट है, एंड देन उसके साइड में जो मुझे मिला दैट इज टर्किश आइसक्रीम पार्लर। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट वहाँ। सो दिस इज कैंडी हाउस कश्मीर आर्ट पैलेस। दोस्तों मेरे पास टाइम ही टाइम है, दोस्तों ये है रोपवे जो कि जाता है गन हिल पॉइंट पे, और इसके लिए आपको जाना है जो आपका चिक चॉकलेट आपने देखा था मैंने जहाँ पे एग्ज़िट किया था अपने होटल से, तो वहाँ से आप लाइब्रेरी चौक की तरफ जाएंगे तो उस रास्ते पे आपको ये पॉइंट मिलेगा, और यहाँ से आपको ये 180 पर पर्सन एक राइड लेके जाएंगे जो कि अप डाउन बोथ राइड रहेगी। अभी आप देखिए मौसम कैसा है, और थोड़ी ही देर में मौसम बिल्कुल पलटने वाला है और अभी कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो जो मेरा ट्रिप था जब मैंने टिकट लिया था तो उस टाइम पे कुछ इस तरह से मौसम था, और उसके बाद में बिल्कुल क्लाउडी हो गया और मुझे कुछ भी नहीं दिखा वहाँ पे। बट लकीली मुझे ऊपर एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी, वो मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ आगे, तो आप देखते रहिए। गाइस आप देख सकते हैं हम हैं स्मृति स्मारक, और यहाँ पे जो मौसम है वो हर 2 मिनट में चेंज हो रहा है, बहुत ही ज़ोर से बहुत ही बदली हो रही है एकदम मौसम की। और जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं ये एरिया बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं एंड मैं आपको और क्लियर थोड़ा सा दिखाती हूँ, थोड़ा सा मुझे आगे जाना पड़ेगा।
रेनी सीजन ने पूरा वेदर ही मेरा चेंज कर दिया है और बिल्कुल ही फॉगी हो गया सब कुछ, मुझे इस टाइम कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले का एक था शॉट, दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑन बोर्ड कर लिया है रोप वे के लिए और आप देख सकते हैं कि बाहर इतनी बारिश हो रही है और वेदर इतना क्लाउडी है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हम लोग जब ऊपर जा रहे थे मैंने बहुत कोशिश की यहाँ कैप्चर करने की, बट सिवाय क्लाउडीनेस के मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। और बहुत सारे लोग यहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह ले रहे थे बट सबको नाकामयाबी हाथ लगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी यहाँ पे, जिस पर्पज़ से मैंने ये ट्रिप करनी चाही, लाइक रोपवे जो मैंने चूज़ किया, बट मेरा सारा पोपट हो गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब नीचे आई तो सब कुछ फिर से वापस सेम हो गया था। तो हकीकत में ऊपर ये व्यू पॉइंट है और यहाँ पे स्टॉल्स वाली बहुत सारी स्टॉल्स हैं और अगर देखा जाए तो ये सनसेट एंड सनराइज के लिए बहुत फेमस है। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं जब वेदर अच्छा हो, तो आप तभी इस जगह को चूज़ करें जब यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर हो। और यहाँ पे बहुत सारे गेम्स भी थे, पेड गेम्स थे, एंड देन यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह थे जिसमें कपड़े एंड आपको जैसे कश्मीरी वो पोशाक पहनाते हैं फिर फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करवाते हैं लोग। तो ये एक मुझे एक ग्रुप मिला था जिसकी मैं बात कर रही थी और ये लोग लाइक दे वर डूइंग सो मच धमा चौकड़ी और उन्होंने इतनी मस्ती की। तो ये अपना पूरा सेटअप लेके आए थे स्पीकर का और ये लोग पूरा यहाँ पे मतलब गन हिल पॉइंट पे स्पेशली सोचिए इसके लिए आए थे। तो मैंने इसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी समझा, सबसे पहले मैंने इनसे परमिशन ली बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि लेटर ऑन कोई प्रॉब्लम आए। तो देखिए आप ये कितना इंजॉय कर रहे हैं, तो इन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था बट एक्चुअली आई टू रिकॉर्ड। सो ये मुझे बहुत मज़ेदार लगा एंड ऐसा ही ट्रिप होना चाहिए, फन लविंग। तो दोस्तों अब हम यहाँ से वापस चलते हैं और हम लोग फिर से रोपवे से नीचे जा रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड जिन जिन ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। वो एक मोटिवेशन क्रिएट करता है मेरे अंदर और वीडियोज़ लाने की, मैं अपना एफर्ट्स डाल रही हूँ। और अगर कुछ भी एडवाइस होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर दीजिए। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।